हमारी सबसे बड़ी दीदी नीति दीदी है, मैं हूँ शक्ति, है मुक्ति एंड हम तीनों बहनें आज मेरे स्टूडियो लॉन्च के लिए आए हैं, नृत्य शक्ति स्टूडियो, जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मुझे डांसर्स के लिए बहुत सालों से जो मैं सोचती थी कि मुझे क्रिएट करना है वो आज लॉन्च हो रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब लोग जो मुझे सपोर्ट करते आए हैं आज यहाँ। पहले तो स्टूडियो के बारे में बताइए, इसका नाम है नृत्य शक्ति। हाँ जी, नृत्य शक्ति नाम मेरे पापा ने दिया है, पावर ऑफ डांस। और मैंने एक्चुअली 4-5 साल पहले शुरू किया था नृत्य शक्ति नाम से, कैलेंडर्स लॉन्च किए थे 3 और 2 वर्ल्ड टूर्स किए हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके डांस सिखाया है। अभी फाइनली एक ऐसा एक स्टेशन कहते हैं ना बॉम्बे में, वो बेस किया है एंड नाउ आई विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल ट्रेन करना चाहते हैं। तो ये विजन है एंड कुछ बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत आज हुई है, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। आप एक खुद एक अच्छी डांसर है, तो आपको आइडिया कैसे है कि हाँ मुझे भी लोगों के लिए डांस क्लास खोलना है? मुझे पता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डांस एजुकेशन, और ये राइट एटमोसफेयर, राइट लोकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत अभी भी ट्रैवल करती हूँ सीखने के लिए, तो आई एम वेरी पैशनेट और मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी जगह क्रिएट करूँ जहाँ पर सब डांसर्स आके सीखें और उनको बहुत मज़ा आए, लाइफ टाइम तक रिमेंबर करें ऐसी ट्रिप। तो दैट्स व्हाई दिस। किस टाइप का डांस वेस्टर्न सिखाया जाएगा, इंडियन, मतलब कैसे सिखाया जाएगा? मैं चाहती हूँ कि वेस्टर्न क्लासिकल और इंडियन क्लासिकल दोनों पे इक्वल एम्फेसाइज मैं करूँ जब उनका प्रोग्राम बने। तो कुछ ऐसा होगा जिससे डांसर्स एकदम ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी जाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर्स बने। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा जो भी टैलेंट को मतलब आगे लाने के लिए क्लासेस खोले थे कि आप भी कभी कंटेस्टेंट थी? हाँ जी, काफ़ी लोग आते हैं, रिजेक्शंस होते रहते हैं, तो क्या इसी तरह का ये क्लास मतलब जो टैलेंट है उनको दिखाने के लिए? बिल्कुल, मैं अभी भी अपने आप को कंटेस्टेंट की तरह ही मैं फील करती हूँ। मैं हमेशा एक डांसर रहूँगी पहले, उसके बाद आज जो भी हूँ, कोरियोग्राफर, जज, जो भी बोलो, पर कंटेस्टेंट मैं पहले रहूँगी। और मुझे पता है एक डांसर को एक अच्छे टीचर की, एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, तभी वो स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। तो आई फील जो मुझे टैलेंट सर ने इतने सालों से ट्रेनिंग दी है वो मुझे आगे बढ़ानी है और कुछ नया करना है डांसिंग। मतलब जो आपने अपने गुरु से सीखा है वो थोड़ा थोड़ा आप दिखाने की कोशिश करेंगे? उनकी ब्लेसिंग्स टैलेंट सर की, रेमो सर, गीता माँ और मेरी जो भरतनाट्यम टीचर रही है स्कूल में, उन सबकी ब्लेसिंग्स लेकर आज मैं ये शुरू कर रही हूँ। और आज मेरी फैमिली, मेरी बहनें मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक लाइफ इज़ कम्प्लीट टुडे। क्या आपने चाहिए शक्ति के बारे में, मुझे इतना अच्छा काम करने जा रही है? वेल, मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही, लाइक उसने कहा कि वो कंटेस्टेंट पहले है, उसका एटीट्यूड लाइफ की तरफ ऐसा ही रहा है, वो हमेशा सीखने में ज़्यादा जोर देती है और जितना उसने सीखा है अब उसे वो सिखाना चाहती है। और आई थिंक हर आर्टिस्ट के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पर आप कुछ सालों तक आप सीखते हैं, आप उसके बाद एक ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, फिर आप उसी में एक माहिर माने जाने लगते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी ये सिखाया है कि आप जितना देंगे, यू नो, जितने न्यू स्टूडेंट्स मिले, आप जितने नए लोग मिले, बच्चे मिले, आप जितना उन्हें सिखा सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नृत्य शक्ति स्टूडियो में आज यहाँ बच्चे आएंगे, डांस सीखेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। इनफैक्ट डांस बस की सारी शक्ति की जो टीम है यहाँ पर ट्रेन कर रही है। और आई थिंक टू गिव इज टू गेट, यू नो, और आप जितना देते हैं उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन और मिलती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आज हम लोग यहाँ पर हैं। और शक्ति हमेशा कोई, आप एक घर लेना भी चूज़ कर सकते हैं, यू नो, मुंबई में रह के, बट शी चूजेज़ टू मेक अ स्टूडियो ताकि वो और लोगों को सिखा सके। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हर डिसीजन कि आज ऐसा है और हम लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको। आप बहुत थोड़ी थोड़ी स्माइल दे रही, आप भी कुछ ध्यान दें। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज स्पेशली इस बात के लिए कि हम जब बॉम्बे आए थे तब हमने डांस स्टूडियो देखा था और रिहर्सल करनी शुरू करी थी। तो हमेशा से ये चाहती थी कि डांसर्स को उनकी रिहर्सल जगह अलग हो, उनके लिए उनकी प्लानिंग अलग हो, जहाँ कोरियोग्राफी होती हो वो अलग हो। एंड शी हैज़ एक्चुअली, जो उन्होंने सोचा था, जो वो सपने देखती थी, वो आज वो एक रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग दैट दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट शी कैन गिव टू एनी डांसर इन दिस वर्ल्ड। कोई अगर
वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्लेम डांसर भी यहाँ आएगा एंड हु ट्रेन्स हियर ही विल बी फ्रेश. लुक एट द व्यू, लुक एट द यू नो द जहाँ पे डांसर है वहाँ पे कोरियोग्राफर है. उन्होंने एक चीज़ सोच कर ये बनाया है एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ. मैं इनके अंदर सीखा भी है तो मैं बता सकती हूँ कि क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा, क्योंकि इवन इफ आई एम नॉट ट्रेन बट शी मेक्स मी लुक लाइक आई एम ट्रेन एंड शी इज़ वन ऑफ दोज टीचर्स. So I'm honestly emotional भी दिख रही है इतना ज़्यादा. मैं हमेशा emotional. बात करें स्टूडियो के सामने एक environment भी काफ़ी अच्छा, तो आप कैसे आइडिया क्या हम यहीं पर स्टूडियो. एक्चुअली बहुत coincidentally हुआ ये, मैं इसके सामने एक फ़ोटोशूट करा रही थी एकदम स्टूडियो के सामने. एंड फोटोशूट जब हो रहा था तो उन्होंने आउटडोर शूट किया, तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर अगर मेरा डांस स्टूडियो कभी बन पाए तो. तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे आगे स्पेस खाली है एंड आई सॉ इट. और फिर मैंने मम्मी पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा आप एक बार जगह देख लो, आप लोगों को अच्छी लगती है तो देखें. एंड विद इन 2-3 days ये जगह मतलब ऐसा लगा कि यही जगह है, दिस इज़ द राइट स्पेस फॉर मी टू स्टार्ट एंड सब कुछ एवरीथिंग अपने आप ही होता है. यू नो जब आप सही इंटेंशन रखते हैं तो अपने आप चीज़ें होती हैं. लाइक इस स्टूडियो के साथ यही हुआ है, इंटेंशन वॉज टू क्रिएट अ स्पेस जहाँ पर आप अपने एज अ डांसर एज एन आर्टिस्ट आपको एक अलग स्पेस मिल रही है जो ऐसा लगे कि आप शहर में नहीं हैं. और अगर आप यहाँ से बाहर देखें तो आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखाई देती है और आपको लग रहा है आप शहर में नहीं हैं. एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तभी आपको मन करता है कि कुछ नया बनाएं. और आई थिंक इस जगह का प्रॉब्ली कुछ जगहों का ऐसा होता है कि वहाँ वो अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाती हैं. तो आई थिंक दिस स्टूडियो इज़ दैट फॉर शर. कहीं ना कहीं वुमेंस का पावर बहुत दिख रहा है आज के दिया में. हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा है, चार जनरेशन है हमारे घर में. बिल्कुल है, चार बहनें हैं हम लोग. मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर कृति है जो अभी यहाँ पर बाहर खड़ी हूँ, शक्ति है फिर मुक्ति है. तो हमारे घर में तो गर्ल पावर कुछ अलग ही लेवल पर. लड़के मुझे डरते हैं और शायद आपको कैमरे के सामने तीन दिखती होंगी, लेकिन ये पीछे एक एक काम कराने वाली स्टूडियो में कृति है जो बैकबोन है हम तीनों की. शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर अस. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट हम लोग बहनें हैं इस जन्म में, और मैं चाहती हूँ अगले जन्म में भी रहें ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और एक दूसरे के जैसे एक होता है ना नर्चर करते रहें. आई थिंक दिस वुड बी वर्थ. कैसा सफ़र रहा, मतलब कभी मतलब आप एक शहर से आए, सपने थे वो पूरे के तो आज फाइनली पूरा हुआ, तो कितनी खुशी हो रही है आज आपको. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम सोचते हो पर ऐसा लगता है कि यू नो यू जस्ट ड्रीमिंग टू बिग. तो आज भी जब ये पूरा हो गया तो मुझे रियली बिलीव नहीं होता है. जब मैं ये स्टूडियो में एंटर करती हूँ, मैं देखती हूँ, ये सब मुझे एक सपने की तरह लगता है. और अभी बहुत कुछ अचीव करना है. मेरा सबसे बड़ा ड्रीम होगा कि मैं यहाँ से एक डांसर्स तैयार करके निकालूँ, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया, आज तो शुरुआत है. तो बस आई हैव टू जस्ट कीप ड्रीमिंग. और ये मेरी फैमिली मेरे साथ है तो फिर आगे आप सर भी आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो और खुशी कितनी होगी जो भी. हाँ जी बिल्कुल, मेरे गुरु हैं टैलेंट सर, उनका मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ, वो आने वाले हैं. उन्होंने मेरे को 4 साल ट्रेन किया है और 4 साल ट्रेन करने के बाद ही वो अभी हर बोर्ड पे हर कदम पे मेरे साथ है. मैं कुछ भी करती हूँ, पहनती हूँ, बोलती हूँ, वो हमेशा हर चीज़ मुझे गाइड करते हैं. तो आने वाले उनका मैं बहुत बेसब्री से कहते हैं ना इंतजार. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आशा करती हूँ बहुत अच्छा आपका क्लास चलेगा. थैंक यू.